बंगाल में अगले कुछ महीनों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के अंदर नेताओं के पार्टी छोड़ने का दौर जारी है। राज्य में तेजी से बढ़ रहे सियासी पारे के बीच खबर आ रही है कि सीएम ममता बनर्जी की बेहद करीबी रही टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय उनका साथ छोड़ सकती हैं। शताब्दी रॉय के बहुत जल्द ही बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। शताब्दी साल 2009 से बीरभूम से सांसद हैं। बताया जा रहा है कि उनके बीजेपी में जाने की अटकलें उनके समर्थकों के फेसबुक पोस्ट से लगाई जा रही हैं। बंगाली फिल्मों की एक्ट्रेस रह चुकी शताब्दी रॉय के फेसबुक फैन पेज से पोस्ट किया गया है, साल 2021 आपके लिए बहुत अच्छा रहे, मेरे संसदीय क्षेत्र के लोगों के साथ मेरा संवाद पहले की तरह ही जारी रहे। आजकल मुझसे कई लोग पूछ रहे हैं कि मैं कई कार्यक्रमों में क्यों नहीं दिखती। मैं उन्हें बता देना चाहती हूँ कि मैं हर जगह जाना चाहती हूँ, मुझे आप लोगों के बीच रहना पसंद है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोग नहीं चाहते कि मैं आपके बीच आऊँ और आप लोगों से मिलूँ। पोस्ट में आगे लिखा है कि मुझे पिछले काफी समय से कार्यक्रम की खबरें नहीं दी जाती हैं। अगर मुझे कार्यक्रम के बारे में पता ही नहीं होगा तो मैं कैसे जा सकती हूँ। इस तरह की बातों से मुझे भी मानसिक पीड़ा होती है। पिछले 10 सालों में मैंने अपने घर से ज्यादा समय आपके या आपका प्रतिनिधित्व करने में बिताया है। मैंने कोशिश की है कि आपकी समस्याओं को सुनकर उसे पूरा करने की कोशिश करूं। दुश्मन भी इसे स्वीकार करते हैं तो इस नए साल में निर्णय लेने की कोशिश कर रही हूं ताकि पूरे तरह से आपके साथ रह सकूं। शताब्दी रॉय ने अपने फेसबुक पोस्ट में आगे लिखा, मैं आप सभी की आभारी हूं जिन्होंने अपना बहुमूल्य वोट देकर 2009 से लोकसभा भेजा है। उम्मीद है कि भविष्य में भी आपका प्यार इसी तरह से मुझे मिलता रहेगा। मैं भी अपना फर्ज निभाने की कोशिश करूंगी। अगर मैं कोई निर्णय लेती हूं तो शनिवार 16 जनवरी 2021 दोपहर 12 बजे तक सूचित करूंगी। ब्यूरो रिपोर्ट SPN 9 न्यूज़।